जब आप रात को सो रहे होते हैं, सोते समय भी आपको मित्र की याद आती है, सखी की याद आती है, पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, भाई बहन को, सब एक दूसरे की याद आती है, तो रांझी की याद क्यों नहीं हो सकती? कोई जरूरी नहीं है कि बैठ कर ही ध्यान करें, आप लेटे लेटे भी आंखें खोल कर, आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो स्वाभाविक है कि नींद आ जाएगी। लेकिन दीवार की तरफ देखिए, कोई तो लगेगा कि कोई आपके सामने तो होगा नहीं, आंखें खोलकर दीवार की तरफ देखते देखते राजी को याद कर लीजिए, मूल मिलाव के भाव में खो जाइए तो काम चल जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। यदि आराम कुर्सी के सहारे बैठा जाता है, सोफे पर बैठा जाता है, तो बीमार अवस्था में बैठकर चितवनी कर लीजिए, नहीं बैठा जाता है तो लेटे लेटे भी राजी को याद कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। उठते बैठते सुपन सुबह जागृत दम न छोड़े मासूम को जाके असर करने से। और प्रेम के लिए तो किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ, आरती करने वाले कर्मकांड के लिए बहुत बाधक है, उसमें नहाना पड़ेगा, आरती सजानी पड़ेगी, लेकिन हमारी सेवा तो मानसिक सेवा है। जब हृदय ही दे दिया तो हृदय में बस राजी को रखते हैं, तो इसमें बैठने से, उठने से, कोई लेटे रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और यदि नींद ज्यादा पावर की दवा नहीं खाए हो तो निद्रा कम आएगी, बुखार में अमूमन तबीयत खराब होती है, उस समय आप आराम से लेटे लेटे भी राजी का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान गहरा तो नहीं लगेगा, लेकिन इतना लगेगा कि मन का आपका शांत हो रहा है, क्योंकि जो चितवनी का रस जिनको मिल गया है, उनको कहा जाए कि 1,00,000 रुपया ले लो और आज चितवनी ना करो, कहेंगे कि 10,00,000 मेरे से ले लो लेकिन मैं चितवनी जरूर करूंगा, क्योंकि वो आत्मा का हार ऐसा है, उसके सामने संसार का सारा सुख फीका पड़ता है। लेकिन जिनको उसका रस नहीं मिलता है, वो सोचते हैं कि चितवनी क्यों करें, क्योंकि वाणी कहती है रस मगन भई सो क्या गा। जिसको उसका रस मिला है वही उसको जानता है, अन्यथा संसार तो माया के नशे में धुलता है, पद यौवन प्रतिष्ठा में संसार भागा जा रहा है। किसी से किसी सुंदर साथ के अंदर तड़प आती है कि हम राज्य का ध्यान करें, तो जो पाया तीन माहे समाया, जिन पाया तीन माहे समाया, ये सोच लीजिए कि इससे बड़ा कोई सुख नहीं, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं, और इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं। हर स्थिति में सब कुछ छूट जाए, सारी पृथ्वी का राज भी मिल जाए, तो भी चितवनी के सुख के बराबर उस सुख को नहीं माना जा सकता। लेकिन विवेक ही नहीं पैदा होता, ये विवेक तो तब पैदा होता है जब, अभी कोरोना का समय गया है ना, उसमें जब डेड बॉडी सामने आती थी तो जो परिजन होते थे सोचते थे कि क्या मेरा भी कहीं ऐसा हाल तो नहीं होगा, उस समय लगता था कि राजी को जल्दी जल्दी याद कर लें। जो वाणी नहीं पढ़ते थे उस समय डर के मारे पढ़ने लगे, जूम की क्लासें भी तभी शुरू हुई, पहले किसी के पास समय ही नहीं था। लेकिन जब सबको लगा कि मेरे ऊपर भी खतरा आ जाएगा, सबने सोचा कि पता नहीं जीवन में कितना समय बचा है, राजी को याद कर लो, तो जिसके विवेक चक्षु खुल गए उसको मालूम है कि चितवनी की उपयोगिता क्या है। देखिए, जीवन की एक एक सांस बीती जा रही है, हमारे सुंदर साथ में कितने सुंदर साथी संसार को छोड़कर चले गए, उनसे उस तन से हम कभी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन अभी जो सुंदर साथ शरीर धारण किए हुए हैं, कहीं ना कहीं अज्ञानता के वशभूत, माया के वशभूत होकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं, इससे उनकी आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा है। जब औरंगजेब शरीर छोड़ने लगा तब उसको याद आती है कि मैंने इसी सिंहासन के लिए अपने भाइयों को मरवाया, अपने पिता को कैद कराकर जहरीले तेल से मालिश कराकर अपने सगे पिता को मैंने मारा, अपने सगे भाइयों को हाथी से बंधवा कर घसीटवाया, गर्दन कटवाकर चौराहे पर लटकाया, इसी तख्ते ताउस को पाने के लिए आज मैं इसी तख्ते ताउस को छोड़कर जा रहा हूं। मैं सारी शक्ति लगा दूं कि मैं न जाऊं तो मौत मुझे घसीट कर ले जाए, लेकिन मेरे साथ जो गुनाहों का पिटारा है वो भी जा रहा है, और मेरे साथ जो खुदा की बंदगी जो मैंने की है वही मेरा सच्चा साथी है। ये गुनाह हमेशा मेरे साथ रहेंगे और जब तक ये सृष्टि रहेगी मुझे धिक्कारती रहेगी। वैसे ही आप समझिए, हमें तारतम वाणी मिली है और इस तारतम वाणी को पाकर जो सुंदर साथ चितवनी में नहीं डूब रहे हैं, अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को नहीं बसा रहे हैं, अपने जीवन की अनमोल संपदा को दोनों हाथों से फेंक रहे हैं, कहीं ऐसा ही कहा जा सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें चितवनी का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए।
उस समय विचार शून्यता होनी चाहिए। जब किसी को प्रेम से देखा जाता है तो उसमें बुद्धि काम नहीं करती, मस्तिष्क काम नहीं करता, हृदय की पुकार की लीला चलती है। देखिए इसको हम इस रूप से समझें, एक हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर में क्या है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण कहलाते हैं। और एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 प्राण होते हैं। और दूसरा होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में क्या होता है? मस्तिष्क होता है, हृदय होता है। दो हृदय हैं, एक स्थूल हृदय, एक सूक्ष्म हृदय जो कारण शरीर का अंग होता है। कारण शरीर में जो हृदय है वो दिखता नहीं है, किसी भी सूक्ष्मदर्शी से न मन को देखा जा सकता है, न चित्त को, न बुद्धि को। लेकिन जो डॉक्टर लोग जिस हार्ट का, हृदय का ऑपरेशन करते हैं, वो तो मांसपिंड है, रक्त का आना जाना है, तो वो स्थूल हृदय है, उससे हमारा नहीं। उस स्थूल हृदय के अंदर सूक्ष्म हृदय रहता है जिसको कारण शरीर कहते हैं। अब क्या है, हमारा शरीर मस्तिष्क के द्वारा कार्य करता है, बुद्धि कारण शरीर का अंग है और मस्तिष्क स्थूल शरीर का। तो जैसे आप देखिए एक बटन कितना छोटा होता है, बटन हम दबाते हैं तो बहुत बड़ी फैक्ट्री चल देती है, मशीनें सारी चलने लगती है। मशीनें जो चल रही है वो क्या है? मस्तिष्क है। और बटन क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहती है। मस्तिष्क के जो कोष होते हैं उसमें अलग अलग क्षेत्र बने हैं, कुछ कोषों का विकास हो जाता है तो मनुष्य भाव प्रधान होता है, कुछ कोषों का विकास होता है तो वो संवेदनशील ज्यादा हो जाता है, कुछ कोषों का विकास होता है तो वो ज्ञान प्रधान होता है। जैसे आप देखिए कवि का हृदय क्या होता है? भावनाशील होता है, कवि भाव प्रकृति का होता है। एक गणितज्ञ जो है भावना प्रधान नहीं होता, वो गणित का उसका मस्तिष्क काम करता है। एक व्यवसायिक जो होता है, बिजनेसमैन, उसकी प्रकृति अलग होती है। सर्विसमैन की प्रकृति, जो राजकीय पदों पर रहते हैं उनकी प्रकृति अलग होती है, प्रशासनिक कार्य करने वालों की प्रकृति अलग होती है। गणित का मस्तिष्क लेकर कोई कवि नहीं बन सकता, और कोई कवि चाहे कि मैं गणित के कठिन सवाल हल करूं तो उसका मस्तिष्क नहीं लगेगा। उसी तरह से लाओ प्यार करो दीदार, प्रेम है तो राज्य का दीदार होगा। तो जब प्रेम से आप चितवनी में बैठे हैं तो उसमें मस्तिष्क की सारी क्रियाओं को बंद करना पड़ेगा। जोड़ घटाना गुणा भाग ये चितवनी से पहले कर लीजिए, जो भी आपको करना है। राज्य के गले में कितने हार हैं, कितने क्या हैं। जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं, मान लीजिए कि 5 साल का बच्चा है, वो आपके कंधे पर चढ़ने के लिए दौड़ से आ रहा है, तो क्या आप कितने बड़े बड़े विद्वान होंगे? सब सुंदर साथ के साथ आप बीती होगी। छोटे बच्चे को अपने गोद में उठाने में उस समय कोई नहीं देगा कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हृदय कार्य कर रहा होता है। एक माँ का बच्चा जब कीचड़ में फंस जाएगा तो माँ ये नहीं देखेगी कि मेरे कपड़े में गंदगी लग जाएगी, वो स्वयं भी कीचड़ में फिसल कर भी अपने बच्चे को निकालना चाहेगा। इसलिए उस समय उसका मस्तिष्क कोई कार्य नहीं करेगा, चाहे भले ही PhD से भी ऊपर की पढ़ाई की हो। जब आप राज्य की शोभा में डूबते हैं तो मस्तिष्क से बिल्कुल कार्य करना बंद कर दीजिए, हृदय के भावों से राज्य को देखिए। इसलिए निहारा जाता है हृदय से, देखा जाता है मस्तिष्क से। आप पैसे देख सकते हैं, भवन देख सकते हैं, लेकिन जिससे प्रेम हो उसको देखा नहीं जाता, उसके हृदय से निहारा जाता है, उसकी आंखों में दृष्टि होती है। और जहां मस्तिष्क काम लेना होता है, आप बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से मिलेगा तो ये देखेगा, बात करते कि इन्हें कैसी घड़ी पहनी है, इनकी कार कैसी है। लेकिन अब एक प्रेमी मित्र दूसरे प्रेमी मित्र से मिलेगा या सगा भाई से मिलेगा तो उनकी आंखों में प्रेम होगा, वो ये नहीं देखेगा कि इसने घड़ी क्या पहनी है, किस कार में बैठ कर आया। अब मेरे कहने का से समझ गए हैं? जब चितवनी में जाइए तो मस्तिष्क की तिजोरी में ताला लगा दीजिए, उसको कोई काम करने नहीं दीजिए। हाँ, मस्तिष्क से इतना काम लीजिए कि वो भाव प्रधान उसके कोष कार्य कर रहे हों, मस्तिष्क प्रधान, ज्ञान प्रधान सारे कोषों को बंद कर दीजिए, मतलब ज्ञान की पिटारी को बिल्कुल बंद कर दीजिए और प्रेम की पिटारी को खोल दीजिए, उससे राज्य को निहारे।
ये हमारे अटूट विश्वास पर निर्भर करता है। श्री मोहम्मद के हैं मोमिनों, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इस घर का पल पल मेहर करत। जिस समय हमारे पास समर्पण और अटूट विश्वास हमारे अंदर विद्यमान हो जाएंगे पूर्ण रूप से, उस समय हर सुख दुख को हम राज्य का उपहार समझेंगे। नरेश जी एक बहुत एक वाक्य बोला करते हैं कि इसमें भी तेरी रजा, उसमें भी तेरी रजा। हम तो उसमें रजा है जिसमें तेरी रजा है। कहने का से क्या है कि राज्य की जो इच्छा हो वही हमारी इच्छा है। मैं आपको घटनाक्रम के माध्यम से बताता हूँ। सीता ने राम से कभी गिले शिकवे नहीं किए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वन में हमें इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि सीता का कहना था कि जहां मेरे राम है वही मेरे लिए अयोध्या है, वही वैकुंठ है। वो त्रेता युग की बात थी। द्वापर युग आता है तो द्रौपदी को कई बार बुरा लगा कि यदि जुआ नहीं खेलते, युधिष्ठिर को कठोर वचनों में भी सुनाती, तो हमें ये सब कष्ट झेलने नहीं पड़ते। युधिष्ठिर को सिर नीचा करके सुनना पड़ता है। जो चार भाई है वो भी कई बार कटु वचन बोल देते हैं। भीम ने तो बहुत ही ज्यादा कह दिया था कि यदि बड़े भ्राता नहीं होते तो मैं आपके हाथ तोड़ देता जुआ खेलते समय। एक लक्ष्मण है, लक्ष्मण सोचते हैं कि भगवान राम को कहीं कुछ खतरा न हो जाए तो 14 वर्ष पूरी पूरी रात्रि जग कर पहरा देते हैं, आंखों में नींद नहीं है। राम और सीता सो रहे हैं तो लक्ष्मण पहरे पर खड़े हैं। एक वो भी भाई है, एक वो भी सीता है जो राम के साथ वन में रहकर भी खुश है, लेकिन द्रौपदी खुश नहीं है। द्रौपदी विवश है कि पति पांचों पतियों को छोड़ नहीं सकती, छोड़ेगी तो संसार क्या कहेगा। तो पतिव्रता भी कहलाना है लेकिन उलाहना भी देना है कि इतना कष्ट वन में हमें देखना पड़ रहा है, मैं तो इतने बड़े राजा की, राजा द्रुपद की मैं लाडली बेटी हूं। हम सुंदर साथ में भी यही स्थिति है, जो कुछ कष्ट मिलता है तो कह देते हैं कि राजी क्यों माया में लाए, इतना कष्ट मिला, इतना कष्ट मिल रहा है। लेकिन जिनके हृदय में विश्वास है वो कितना भी दुख होगा वो सीता की राह पर चलेंगे, द्रौपदी की राह पर नहीं चलेंगे। और ये यदि हमें ये सोचना चाहिए कि राज्य जो इश्क के सागर हैं वो कुछ भी करेंगे तो उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई हो। तभी तो कहा है, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। मीराज कभी उलाहना नहीं देते हैं कि मुझे हफ्से में क्यों भुलवा दिया, इतना आरोप लगवा दिया। हम थोड़ी सी बात होती है तो राजी पर उलाहनों का एक कच्चा चिट्ठा लेकर के खोल कर बैठते हैं और हर बात में राजी को दोषी बनाते हैं। जो जागृत ब्रह्मात्मा होगी वो कभी भी राजी को दोषी नहीं बनाएगी, वो उसमें भी एक उपहार देगी कि जो मेरे प्राणेश्वर ने किया सही किया है। क्योंकि सीता ने कभी राम को दोषी नहीं बनने दिया। वन में त्याग होता है गर्भवती अवस्था में, तो भी सीता को स्वीकार नहीं है कि कोई राम को दोषी बनाए, हर स्थिति में उन्होंने राम को आगे रखा। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में राज्य को दोषी न माने और एक चौपाई याद रखें, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है जो रूसो करो विचार। परम धाम में रहकर परम धाम के सुखों में डूबने का था, इश्क में डूबने का धाम है वो, वहदत में आनंद में डूबने का, लेकिन उसका रस हमें नहीं मिलता था। स्वाद लेने का समय तो यहाँ है, इसलिए जागनी ब्रह्मांड में ऐसा सुनहला समय है। देखिए ब्रज में श्री कृष्ण के रूप में राजी रहते थे, केवल प्रेम की लीला होती थी और रास में उसका विलास हुआ, तो वो प्रेम के पल आनंद के पल तो कैसे बीत गए पता नहीं चला। इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें कष्ट मिल रहे हैं तो इन कष्टों में हम दुख से बिलबिला जा रहे हैं और दोषी पर दोषी बना दे रहे हैं। एक देखिए आंवले को जब खिलाया जाता है त्रिफला को तो कितना कड़वा लगता है, कोई मिठाई खाना चाहेगा लेकिन त्रिफला नहीं खाना चाहता है,
किंतु यदि त्रिफला खाने की आदत पड़ गई तो त्रिफला 12 वर्षों में कहा जाता है कि कायाकल्प कर देगा, लेकिन मिठाई हम मात्रा से ज्यादा खा जाएंगे तो क्या परिणाम होगा, हमें डायबिटीज का रोग हो जाएगा। उसी तरह से ये जागनी ब्रह्मांड समझ लीजिए, तुलनात्मक दृष्टि वही समझिए। एक तरफ हमें बुढ़ापे का कष्ट है, रोग का कष्ट है, धन अभाव का कष्ट है, संसार में कितने तरह के दुख देखने पड़ते हैं, और ब्रज में ये सब कुछ दुख नहीं था, रास में कोई दुख नहीं था, लेकिन ब्रज में, रास में या परम धाम में हमें वो अवसर नहीं मिला था कि राज्य के हृदय में डुबकी लगाकर हम उनके सागरों को माप सके। अनंत काल से लीला चली आ रही है, श्यामा जी को भी राज्य के दिल की मारिफत का पता नहीं था, सखियों को पता नहीं था। आज हम उस मंजिल पर खड़े हैं जहां हम राज्य के दिल को माप सकते हैं, लेकिन हमें कुछ कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। जिस रहस्य के लिए जानने के लिए ये माया का खेल बनाया, जागनी ब्रह्मांड में हम खड़े हुए हैं। इसलिए इस जागनी ब्रह्मांड जैसा ये तीन ब्रह्मांड हुए जो ऐसे हुए न हो सिकब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भाई, आप सोचिए जागनी ब्रह्मांड में आपको एक सुनहला अवसर मिला है कि यहीं बैठे बैठे ब्रज के ब्रह्मांड को देखिए, रास को देखिए, परम धाम को देखिए, राज्य के दिल में डुबकी लगा जाइए। पहले भी आप डुबकी लगाते थे लेकिन कुछ नहीं जानते थे, अब डुबकी लगाकर सब जान सकते हैं और सारे ब्रह्मांड को अखंड कर सकते हैं। आपको राज्य ने इतनी बड़ी शोभा दी है, इसलिए कभी असहाय न बनिए, नकारात्मक चिंतन न कीजिए, अपने स्वरूप को पहचानिए और राज्य ने आपको कितनी बड़ी शोभा दी है, आप इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं इसको याद कीजिए, तो मुझे लगेगा कि वह व्यक्ति हमेशा धन्यवाद करेगा कि राज्य ने आपने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि इस जागनी ब्रह्मांड में लाए हैं। तभी सेवा पूजा में लिखा है अर्जी में, उसमें जो पढ़ा जाता है स्वरूप कि मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। जो मेहरबान है, मेहर का सागर है, कुछ भी करेगा तो उसमें कुछ न कुछ मेहर छिपी रहेगी। आप घृणा से किसी फूल को पैरों से मसल दीजिए तो भी वो पैर में भी सुगंध छोड़ता है। एक ही संसार का फूल मसले जाने पर भी पैर में सुगंध देता है, मीठा रस देता है। आप आम पर पत्थर मारते हैं तो आम आपको बदले में मीठा फल देता है, तो राज्य आपको दुख क्यों देंगे। जहाँ दुख होवे तुमको तहाँ आड़ा देऊ मैं अंग, राज्य कह रहे हैं। जिन जीवा में दुख कहूँ सो जीवा करूँ सटू, जिस जीवा से मैं तुम्हारे लिए दुख शब्द मेरे मुख से निकल जाए तो मैं अपनी जीवा के टुकड़े कर दूँ। मैं तो तुमको दुख दे भी नहीं सकता, सपने में भी दुख नहीं सकता, मैं तो तुम्हें दुख दिखा रहा हूँ ताकि इस दुनिया में बैठे बैठे तुम परम धाम की तरफ नजर करो और सुखों का रस पियो। इसलिए राज्य पर किसी तरह का आरोप लगाने के गुनाह से हम बचे। राज्य जो हमारे लिए कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। यदि राज्य सेठ लक्ष्मण दास को कंगाल नहीं बनाते तो वो लाल दास जी नहीं बन पाते। यदि राज्य अपनी कृपा दृष्टि मिराज को हफ्से में नहीं ले जाते तो श्रीराज स्वयं नहीं बन सकते थे। इसलिए महामत कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख वीर सिर दीजिए तो भी सर्वन ना वेता। यदि हम लाख बार अपनी गर्दन काटकर चरणों में राज्य के रख दें तो भी राज्य जो हमें दुख देते हैं उसका मोल हम कभी चुका नहीं सकते। इसलिए मेरे से तो नहीं होता कि मेहर सागर का उठा लेकर पाठ करूं कि राज्य दुख से मुक्त करो, दुख से मुक्त करो। मैं तो कहता हूं संसार के सारे दुख मुझे हो जाए, फिर देखिए उसका आनंद कुछ और होता है। जब दुख मिलेंगे संसार से मन अपने आप टूटेगा और हमारा हृदय श्री राज्य के चरणों में रहेगा। इस चीज से दुखों से घबराइए नहीं, मुस्कुराकर झेलिए। सूरज डूबता है तो ये याद रखिए मंगलमय प्रभात भी कुछ समय के बाद अवश्य आएगा। दुख की काली रात्रि भी बीतेगी और पक्षियों की चहचहाट के साथ उगता हुआ सूरज हमारा स्वागत करेगा। इसलिए संसार में जो दुख मिल रहे हैं वो कुछ समय के लिए क्षणिक है, जैसे सुख क्षणिक है तो दुख भी क्षणिक है। हम धैर्य पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर रहें, इसी को बताने के लिए गीता में इतने अध्याय कह दिए गए हैं। आपको राज्य ने एक चपाई में बोल दिया, आनंदे रोता रमिये जीने ते कहिए लक्षण प्रेम। यदि आपको राज्य से सच्चा प्रेम है तो दुख में भी मुस्कुराते रहिए। नूर के अलग अलग अर्थ होते हैं अलग अलग प्रसंगों में, सागर की टीका में, सिंगार की टीका में, कई जगह पर नूर की व्याख्या की गई है। नूर का अर्थ
तारतम्य भी होता है, नूर नाम तारतम, नूर का अर्थ तेज ज्योत प्रकाश सब कुछ होता है, तेज ज्योत प्रकाश जो नूर सब ठहरों शीतल सतसूर। रोज नूर का अर्थ होता है आभान, रोज का अर्थ होता है कांति, रो नूर का अर्थ होता है प्रेम, सब कुछ अलग अलग प्रसंगों में राज्य के स्वरूप से संबंधित जो कुछ है उसमें नूर का प्रयोग होता है। मोहम्मद के अलग अलग अर्थ हैं, ऐसे तीनों सूरतों को भी मोहम्मद कहा जाता है, बसरी सूरत को, मलकी सूरत को, हकी सूरत को। और परम धामी श्यामा जी को एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते मोहम्मद आया वास्ते रो, श्यामा जी को भी मोहम्मद कहा जाता है। मोहम्मद शब्द का अर्थ होता है जो महिमा से परे है, असीमित महिमा वाले को मोहम्मद कहते हैं, बस इतना समझ लेना चाहिए, प्रसंग के अनुसार हमें उसका अर्थ करना पड़ता है। इसलिए किसी तब कट्टरता कट्टरवादी विचारधारा में हमें नहीं जानना चाहिए, प्रसंग के अनुसार ही हमें भाव दर्शाना होता है और उसके अनुसार नूर और मोहम्मद के अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ करते हैं। कहीं नूर का अर्थ ज्ञान लिया जाएगा, कहीं नूर का अर्थ प्रेम लिया जाएगा, क्योंकि परम धाम में निज बुद्धि का ज्ञान है जो श्यामा जी और सखियों के बीच में रहता है कि राज्य के स्वरूप में वो डूबी रहती है। तो ये नूर आगे थे आया अक्षर ठौर के पार, ये सब जाहिर कर चल दिया आया निज दरबार। तो नूर का अर्थ यहाँ तारतम ज्ञान होगा, नूर नाम तारतम, और नूर का अर्थ राज्य के श्रृंगार में सारा वर्णित किया गया है। उसी तरह से मोहम्मद शब्द का अर्थ भी भिन्न भिन्न प्रसंगों में अलग अलग अर्थ में। देखिए ब्रजराज के पश्चात परम धाम की सभी आत्माएं पुनः परम धाम मूल मिलाव में जागृत हो गई और राज्य से प्रश्न करने लगे कि राज्य आपने तो कहा था कि तुम वहां जाओगे तो माया तुमसे मुझे दूर कर देगी, हमारे बीच में दूरी बनी रहेगी, लेकिन माया तो हमारा क्या कर पाई, आप हमारे साथ थे, भले ही 52 दिन का वियोग हुआ तो कि लेकिन हम आपके बांसुरी बजते ही तो हमने सब कुछ अपना शरीर तक छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि माया ने हमको बांध दिया था। आप हमारे साथ रहते थे, आप बन भी जाते थे तो भी हम पूरे दिन व्याकुल रहते थे, तो माया का तो कोई असर ही नहीं पड़ा। ये जाकर के सखियां पुनः कहने लगे। इसी समय अक्षर की आत्म को राज्य ने मूल मिलाव में बुलाया, क्योंकि अरब में भेज चुके थे ताकि अरब के पशुवृत के लोगों में जिनमें मानवता ही नहीं थी उनको इंसानियत का पाठ पढ़ाना था, ब्रह्मात्माओं के लिए साक्षी दिलानी थी कि प्राणनाथ के रूप में कोई पैगंबर नहीं आ रहा है, कोई महापुरुष नहीं आ रहा है, कोई संत और अवतार नहीं प्रकट हो रहा है, बल्कि सच्चिदानंद परब्रह्म का ही प्रकटन होने जा रहा है। वो हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, कृष्णों के है, सुर असुर सबों को इपति सब पर एक दया दे दीदार सबन को जिन्हों जय सच। इसलिए ये जो प्रसंग है कि ब्रजराज में यौनभूति नहीं हुई थी, ब्रजराज में तो माया देखी थी, वो वार्ता हो रही थी, तब दोबारा इस माया काल माया के ब्रह्मांड में दोबारा भेजते हैं और माया को पूरी शक्ति देकर अब देखिए कि श्यामा जी की आत्मा को उमरकोट भेज देते हैं, वहाँ कोई ज्ञान की बातें करने वाला नहीं, श्यामा जी को कुछ पता नहीं कि राज्य कहाँ, मीराज की आत्मा इंद्रावती को कहाँ प्रकट करते हैं, किसी को कहीं किसी स्त्री तन में कोई पुरुष तन में पता चलना ही मुश्किल है। और ब्रज में तो सभी एक साथ थे और राज्य ने भी श्री कृष्ण का अति सुंदर रूप धारण किया था, तो जहाँ प्रेम मिलता है तो प्रेम के बल पर संसार को छोड़ना बहुत कठिन है। बांसुरी की आवाज बजी थी तो उस प्रेम का ऐसा विरह आया कि सबने शरीर छोड़ दिया। और देखिए 300 वर्षों से ज्यादा समय हो गया वाणी का अवतरण, वाणी की भी बांसुरी बज रही है जो रास की बांसुरी से करोड़ों गुना मीठी है, क्योंकि रास की बांसुरी तो मधुर ध्वनि के माध्यम से पुकार रही थी और ये बांसुरी है जो कह रही कि देखो मेरे होठ कैसे हैं, मेरे नेत्र कैसे हैं, मेरे दोनों कान कैसे हैं, हृदय कमल कैसे हैं, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। लेकिन यही होता है कि उससे आवाज नहीं आती, कानों में जो बाह्य इंद्रियों में हमारी चीज पड़ती है वो ज्यादा मधुकर मीठी लगती है। हम यदि सागर श्रृंगार की चौपाइयों को परिक्रमा में जो भी परम धाम के 25 पक्षों की शोभा का वर्णन है, हम कभी आंखें बंद करके विचार करके सोचें कि राज्य का मुखार भी कितना सुंदर है, तो उस समय उस पीड़ा का आभास होगा, उस समय भी ऐसा लगेगा कि क्यों ना हम शरीर छोड़ दें यदि वो राज्य नहीं मिलते। मैं किसी को शरीर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन वो बांसुरी ने प्रेरणा दी, क्योंकि राज्य चाह रहे थे कि हम युग माया में पहुंच जाएं संसार को छोड़कर। इस समय राज्य ने अपने हुक्म की कारीगरी से ऐसा कर रखा है कि जब हम वाणी पढ़ते हैं तो ज्ञान का प्रकाश कहता है कि नहीं सब झूठ है, केवल राज्य का प्रेम ही सच्चा है। फिर जब हम घर आते हैं तो एक से एक सुख के संसाधन हमें दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि संसार में कितना सुख ही सुख है। तो ब्रज वाला पीरा हमारे अंदर पैदा नहीं हो पा रहा है, हमारी ऊपर हंसी होनी है। इसलिए हम जानते हैं कि माया दुखदाई है, लेकिन माया को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं। उस समय प्रेम का एक रस हमारे हृदय में पहुंच गया बांसुरी की आवाज के माध्यम से, इसलिए सबने छोड़ दिया। अब जागने के ब्रह्मांड में चूंकि ज्ञान के द्वारा सबको आश्वास कराना है, मारिफत के स्वरूप की पहचान करानी है, इसलिए राज्य ने एक तरफ तड़प भी देते हैं, दूसरी तरफ संसार का आकर्षण देते हैं, तीसरी तरफ विवेक देते हैं। हमें ऐसे चौराहे पर खड़ा कर रखा है, हम इच्छा अपनी इच्छा से न मर सकते हैं न अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हैं, केवल जैसा राज्य का आदेश कह चाह रहा है वैसा हम करने के लिए विवश हैं। हमें चितवनी भी करनी होगी, आनंदे रोता रमी एम जीना दे कहिए लक्षण प्रेम, जो रास में रोते हुए नाटक लीला किया था, इस जागने के ब्रह्मांड में हमें रोते हुए भी हंसते हुए दिखाना पड़ेगा। अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए चितवनी भी करनी पड़ेगी, संसार के दुखों को देखना भी पड़ेगा, और तब हम मार्फत के रहस्यों को समझ पाएंगे। प्रेम से चितवनी करके भी राज्य को भी देखने का श्रेय हमें अवश्य मिलेगा। इन सारी कसौटियों से राज्य हमें कसने वाले, इसलिए जो अरम्य अक्षर की आत्मा आई थी उस समय जब पहुंची तो सबके ऊपर फार्मेसी छाई हुई थी। राजी ने उसी समय कहा था कि देखो मेरी तरफ देखो, मैं तुमको माया का खेल दिखाता हूँ। इसी विषय इसी क्षण अक्षर की आत्मा को बुलाया तो अक्षर की आत्मा को लगा कि इनके ऊपर फार्मेसी है। उस समय अर्शरूह आई नहीं तो यूं करी शरत कया गुदाम आवसी भरदा रोज का, बीतक में चौपाई आती है, हुक्म के अमल में ना कोई उतरे। जब अक्षर की आत्मा आई थी अरम्य तो उसमें कोई भी ब्रह्म सृष्टि नहीं थी और परम धाम में जागृति भी नहीं थी। रास में जरूर आई थी लेकिन वो काल माया का ब्रह्मांड था पहला जो लय हो गया था। अब ये जो नया ब्रह्मांड बना है इसमें परम धाम की आत्माएं माया का खेल देखने के लिए आई हुई हैं, और राज्य हमें वाणी के माध्यम से ब्रज रास जागनी तीनों का सुख कहीं ना कहीं दे रहे। देखिए एक सामान्य सा प्रश्न है, मेरे दो हाथ हैं, दोनों हाथों का रूप रंग लंबाई चौड़ाई सब एक जैसे, नाखून भी एक जैसे, तो मेरे दाएं हाथ में कोई छोटा सा घाव निकल जाता है तो हम ऑपरेशन कराने के लिए जाएं, बायां हाथ कर दे डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर क्या कहेगा इसमें तो घाव है ही नहीं, ऑपरेशन क्या करूं। आप कहेंगे कि किसी भी हाथ में ही तो है, दोनों मेरे हाथ है किसी में ऑपरेशन कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाएं हाथ का कार्य अलग है दाएं हाथ का कार्य अलग है, दोनों मेरे ही हाथ हैं। सत का स्वभाव अलग है, सत के स्वभाव में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होना है और अनंत ब्रह्मांडों का लय होना है। आनंद अंग में केवल प्रेम और आनंद के सिवा और कुछ क्रीड़ा ही नहीं हो सकती, न सृजन है न विनाश है। यदि सृजन है तो विनाश भी होगा, लेकिन रूहें बेनियाज थी बीच बका 12,000 का तात्पर्य क्या है, ब्रह्मात्माओं को मालूम ही नहीं था कि सृजन भी होता है और विनाश भी होता है, क्योंकि न परम धाम में न सृजन है न विनाश है। आप सोचिए तूफान में हमारा घर समुद्र के किनारे है, बह जाता है तो हमें दुख होता है। अब जब सारी पृथ्वी ही सृष्टि के महाप्रलय में लय हो जाए, सूर्य नष्ट हो जाए, चंद्रमा सारी सृष्टि जिसमें गैलेक्सियां लय हो जाए, तो उसके पहले क्या होगा, इसमें रहने वाले सारे प्राणियों का संहार तो होना ही होगा। तो सत्ता का स्वरूप ही ऐसा कर सकता है जिसका हृदय कोमल होता है। मैं आपको एक घटना बताऊं, रसखान जी को किसी ने कहा था कि देखिए रसखान जी आप वो जो बनिए के लड़के से आप इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम भगवान से कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना होगा, तो किसी ने कहा कि तुम्हें प्रेम की शिक्षा चाहिए तो ब्रज मंडल चले जाओ। तो वहाँ चले जाते हैं, देखते हैं कि कृष्ण की सूरत मूर्ति देखिए, मूर्ति पर ही पागल हो गए और सोचते हैं कि इस मूर्ति को मैं
मैं कैसे प्रेम करूं, इन्होंने तो नंगे खड़े हैं, मैं क्यों ना अपने जूता पहना दूं, क्योंकि पठानों को जूता का बहुत शौक होता है। मुसलमान वेशभूषा है, जाते हैं मंदिर से पुजारी धक्का देकर बाहर निकलवा देते हैं, लेकिन वो रसखान रसखान है, तीन दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहते हैं वृंदावन की गलियों में, कृष्ण कृष्ण का पता नहीं कितने दिन खाया है कितना दिन पिया है, उनके लिए कोई कर्मकांड नहीं, लेकिन प्रेम ने रसखान को रस की खान बना दिया। तो मेरे कहने का आशय यह है कि यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अपने प्रश्न को एक बार और दोहरा दीजिए, थोड़ा मैं और स्पष्ट कर दूं। जी श्यामा जी रूहे व अक्षर ब्रह्म वाहिदत में है, तो वाहिदत में होते हुए भी सतंग को आनंदंग की और आनंदंग को सतंग की लीला के बारे में क्यों नहीं बताता? इसलिए कि देखिए, अक्षर ब्रह्म सत की वाहिदत में है और सखिया आनंद की वाहिदत में, इसकी वाहिदत में, इसकी की वाहिदत अलग है और सत की वाहिदत अलग है। जैसे राज्य क्या है, सतचित और आनंद, तो सत के अंदर भी सतचित आनंद होगा, चित के अंदर भी सचित आनंद होगा और आनंद के अंदर भी सचित आनंद होगा, लेकिन कम और अधिक मात्रा, कम अधिक का परम धाम में कम या अधिक नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक लीला रूप में। जैसे मैंने कहा कि पैर का कार्य है चलना, हाथ का कार्य है कार्य करना, नासिका का कार्य कुछ है, हाथ का कार्य पैर से नहीं होता, पैर का कार्य हाथ से नहीं होता। हम हाथों से चलना चाहें तो बहुत कष्ट होगा, पैर से हम भोजन करना चाहें तो पैर भोजन करने के लिए नहीं है, आंखों का कार्य देखना। तो उसी तरह से मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, परम धाम में तो एक एक इंद्रिय गुण पांचों, जो सत है अक्षर ब्रह्म उसमें चेतनता भी अवश्य है और आनंद का करोड़वां अंश भी है। उसी तरह से इसके के सागर राज्य में सब कुछ है, सत भी है चित भी है आनंद भी है, क्योंकि पूर्णात्पूर्ण है, जो उनका आनंद अंग है उसमें सत भी है और चित भी है, लेकिन सत नून मात्रा में है और आनंद पूर्ण रूप में, क्योंकि सत के बिना तो चित और आनंद भी नहीं, और सत में यदि चितनता न हो तो उसका अस्तित्व नहीं, और यदि आनंद न हो तो वो भी नहीं रह सकता। इसलिए सत की वाहिदत सत सभी में है, श्यामा जी में भी सत है, राजी तो पूर्णात्पूर्ण है, और सत के अंदर आनंद का भी अंश है, लेकिन सत आनंद की लीला को नहीं जान सकता क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग है। एक ही व्यक्ति जब अपने ऑफिस में होता है तो घर के बच्चों को जिस तरह से दुलार करता है, पत्नी झिड़कती रहती है फिर भी महाशय घर में सिर नीचा करके सुनते रहते हैं, जब ऑफिस में अफसर की कुर्सी पर बैठते हैं तो सब पर रोब झाड़ते हैं, जो ऑफिस में रोब झाड़ते हैं वो अपनी घर आकर अपनी पत्नी पर रोब झाड़ नहीं सकते। तो कहने का ऐसे क्या है, व्यक्ति एक है उसका स्वभाव बदल जाता है, यही भाव हमें समझना चाहिए। एक ही अक्षरातीत सत के रूप में लीला कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के रूप में लीला कर रहे हैं, एक ही अक्षरातीत राज्य के रूप में और अपने हृदय के स्वरूप श्यामा जी के रूप में लीला कर रहे हैं, तो दोनों के स्वभाव में अंतर होने से दोनों एक दूसरे की लीला को नहीं जानते, क्योंकि वो उनकी वादत अलग है। श्यामा जी सखियां महालक्ष्मी ये जो इश्क की वादत में है और अक्षर ब्रह्म सत की वादत में, पहले लिया के दिल में पीछे आए मायनूर, ता पीछे हाथीर मन में युकर हुआ जो राजी ने दिल में खेल दिखाने को लिया तो अक्षर ब्रह्म को पहले पता चला, क्योंकि वो सतंग में अक्षर के अंदर प्रेरणा की कि वो सखियों को देखे और सखियों के अंदर प्रेरणा की कि वो आनंद को देखे। जैसे मैं हूं, एक तरफ मेरे गिलास रखी है एक तरफ बाल्टी रखी है, तो दाएं हाथ से मैं चाहूंगा कि मैं ही तो आदेश दूंगा कि दाएं हाथ से कहूंगा कि गिलास उठाओ, बाएं हाथ को कहूंगा कि तुम बाल्टी उठाओ, तो आदेश कौन दे रहा है, मैं जैसा कहूंगा मेरे दोनों हाथ करेंगे। राजी जो दिल में लेंगे क्योंकि वो चितघन स्वरूप, सखियों के मन में वही आएगा, श्यामा जी के मन में वही आएगा, और राजी जैसी दिल में इच्छा लेंगे वही अक्षर के मन में आएगा। तो राज्य के हृदय में सत चित आनंद तीनों पूर्ण है, लेकिन जब लीला करते हैं तो सत में आनंद की लीला का पूर्ण स्वरूप नहीं होता और आनंद में सत की लीला का पूर्ण स्वरूप नहीं होता। यही कारण है कि
दोनों एक ही अक्षर अतीत गंगा है, पांचों अद्वैत एक ठौर, स्वरूप एक लीला दो, स्वभाव अलग अलग होने से एक ही तो सूरज होता है, दो पहर को तपता है तो हम देख नहीं सकते, और शाम को जाड़े के मौसम में जब ठंडा होता है तो लाल लाल रंग का दिखता है, हम देखते रहे डूबते हुए सूरज को, उगते सूरज को कोई असर नहीं होता। तो ये नहीं कह सकते कि वो सवेरे का सूरज कुछ अलग होता है, दोपहर का सूरज अलग होता है, सूरज तो वही होता है लेकिन समय का प्रभाव होता है। उसी तरह से स्वभाव के अनुसार व्यक्ति स्वरूप एक है, अलग अलग रूपों में लीला करता है। उसी तरह से एकत्व जो है, जो श्यामा जी एक इश्क की वहदत में है, नूर सागर से लेकर या नीर सागर से लेकर ये सरोवर सागर से लेकर क्षीर दधि सागर तक, इधर क्षीर सागर से लेकर रस सागर तक, आठों सागरों के बीच में देखा जाए कहीं भी कणकण में लीला होती है तो इश्क की लीला होती है, वहदत की लीला, इश्क की वहदत की लीला होती है। और अक्षर के हृदय की जो सत की लीला होती है अव्याकृत से सस्वरूप तक होती है, और उनके सपने की लीला होती है वो कालमाया के ब्रह्मांड में होती है। तो कालमाया के ब्रह्मांड में बैठकर हम परम धाम की इश्क की वहदत और सत की वहदत को एक अनुमान के तौर पर ही समझ सकते हैं। अन्यथा जैसे आप देखिए, मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत में दे दूं, जैसे मान लीजिए कि आप बड़े अधिकारी हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, किसी छोटे कर्मचारी ने गलती कर दी तो आप उसको फटकार रहे हैं, गुस्से में लाल हैं। अचानक आपका बचपन का मित्र आ जाता है ऑफिस में तो आप मुस्कुराने लगते हैं, अभी तो छोटे से कर्मचारी को कमरे से बाहर निकाल दिया कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, और अपने मित्र को देखे तो मुस्कुराने लगते हैं और उसे गले लिपट जाते हैं। एक ही व्यक्ति तो है, अभिनय दो रूपों में कर रहा है, एक में गुस्से में है और एक में गले लिपट रहा है। तो इसको इस रूप में हमें समझना चाहिए कि लीला है, लीला करने वाला एक है, उसने दो रूप धारण किया। और जो परम धाम की वहदत को समझते हैं वो जानते हैं कि खिलौने जो हक्के से दूसरा क्यों कहला है, ये दूसरा तो कहला है जो हो ये कोई इब्तदा है। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है, मार्फत के देश है, न सखियां हैं, न श्यामा जी हैं, न खूब खुशहालियां, लेकिन हकीकत में सब है, 25 पक्ष हैं, खूब खुशहालियां हैं, पशु पक्षी हैं, हौज कोसर है, मानिक पहाड़ है, सब है। और राज्य तो पशु पक्षियों के रूप में लीला कर रहे हैं, खूब खुशहालियों के रूप में लीला कर रहे हैं। यही तो भेद बताना था, सखियों को बताना था कि ये पशु पक्षी नहीं है, इन पशु पक्षियों के रूप में तो मैं ही तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुमको अपने ऊपर बैठाता हूँ, बंदरों के रूप में मैं ही सब कुछ ला ला कर तुमको देता हूँ, तुम सोच रही हो कि ये बंदर ला कर दे रहे हैं, नहीं, आशिक मैं हूँ, मेरा हृदय सभी रूपों में लीला कर रहा है, ये बात परम धाम में पता नहीं चल सकती थी, इसलिए कालमाया के ब्रह्मांड में वाणी देकर ये राज्य सारी बातें बता रहे हैं।